अगर आप इन दोनों ड्राइंग्स को एक साथ देखोगे तो आपको इनमें से एक ड्राइंग फ्लैट प्लेट के जैसी लगेगी और दूसरी एक रियलिस्टिक बॉल के जैसी लगेगी। बट अगर हम इन दोनों में से शेडिंग को हटा दें और जस्ट आउटलाइंस को देखें तो ये दोनों ही सेम टू सेम जस्ट सर्कल्स ही हैं। तो शेडिंग की वजह से इनमें ऐसा क्या डिफरेंस आया कि इनमें से एक एक रियलिस्टिक बॉल लग रही है और दूसरी नहीं लग रही? तो ये डिफरेंस है डेप्थ का, और डेप्थ को ड्राइंग में हम कैसे दिखाते हैं? टोनल वैल्यूज़ की हेल्प से। तो मैंने अपनी 3 टिप्स फॉर रियलिस्टिक ड्राइंग वाली वीडियो में आपको फर्स्ट टिप के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, जो था हार्ड एजेस वर्सेस सॉफ्ट एजेस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी ज़रूर देखना, बिकॉज़ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को सही से समझना चाहते हो। और ये वीडियो उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है, और इसमें हम सेकेंड टिप के बारे में बात करेंगे, जो कि है टोनल वैल्यूज़ के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हे गाइस, आई एम अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग। इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको दो और चीज़ों के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ, और ये है पर्सपेक्टिव और डेप्थ। पर्सपेक्टिव का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है कि रियलिटी में जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है वो हमें बड़ी नज़र आती है, और जो चीज़ हमसे थोड़ी दूर होती है वो हमें छोटी नज़र आती है। और ऐसे ही हम उन चीज़ों को हमारी ड्राइंग में भी ड्रॉ करते हैं, पास और दूर दिखाने के लिए। पर्सपेक्टिव का ध्यान हमें आउटलाइंस ड्रॉ करते टाइम रखना पड़ता है। और दूसरा है डेप्थ। डेप्थ भी इससे मिलता जुलता ही है। इसका मतलब है ड्राइंग में ऑब्जेक्ट्स को आगे या फिर पीछे दिखाना, मतलब कौन सी चीज़ का कौन सा पार्ट थोड़ा ऊपर की तरफ है और कौन सा पार्ट थोड़ा नीचे की तरफ है। और डेप्थ का ध्यान हमें शेडिंग के टाइम पे रखना पड़ता है। अगर आप इन दोनों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं इनके बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अब वापस आते हैं टोनल वैल्यूज़ पे। तो ड्राइंग में डेप्थ को दिखाने के लिए हमें लाइट और शेडोज़ को ड्रॉ करना पड़ता है। और लाइट और शेडो को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? लाइट और डार्क शेडिंग की हेल्प से। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं टोनल वैल्यूज़। अगर आप इस ड्राइंग में देखो तो इस बॉल पे यहाँ पे बिल्कुल लाइट शेडिंग है और इस तरफ बिल्कुल डार्क, और बीच में ये लाइट की तरफ से डार्क की तरफ धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हो रही है। तो इन लाइट और डार्क शेडिंग की वैल्यूज़ को ही टोनल वैल्यूज़ बोलते हैं। बेसिकली आर्टिस्ट इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइट टोन्स, मिड टोन्स और डार्क टोन्स। इनको आगे भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बट अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। तो अब मैं आपको पहले कुछ मिस्टेक्स बताता हूँ जो बिगिनर्स करते हैं टोनल वैल्यूज़ को लेके। अभी मैं आपको अपने कुछ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की ड्राइंग्स को दिखाता हूँ, साथ में मैं उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर दूंगा, आप चाहो तो उनके पेज को चेक कर सकते हो। बहुत सारे बिगिनर्स ये सोचते हैं कि अगर आपको स्मूथ शेडिंग करनी है तो आपको लाइट ग्रेड की पेंसिल से ही शेडिंग करनी होगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इन तीनों ड्राइंग्स को देखो तो ये ड्राइंग्स काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लग रही हैं, और इसका मेन रीज़न यही है कि इनमें पूरे फेस में बिल्कुल ही लाइट शेडिंग की गई है। और गलती ये नहीं है कि इनमें बहुत ही ज़्यादा लाइट शेडिंग की गई है, गलती ये है कि उस वजह से इसमें डेप्थ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। और अगर आपको अपनी ड्राइंग में डेप्थ दिखानी है तो आपको लाइट और शेडोज़ इन दोनों को बैलेंस में दिखाना होगा। और लाइट और शेडोज़ को आप कैसे बैलेंस में दिखा सकते हो? टोनल वैल्यूज़ की हेल्प से। और टोनल वैल्यूज़ में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको लाइट टोन्स, मिड टोन्स और डार्क टोन्स इन तीनों को दिखाना होगा। और अगर आप इन तीनों ड्राइंग्स में देखो तो आपको डार्क टोन्स दिखाई देंगी, लाइट टोन्स दिखाई देंगी, बट आपको मिड टोन्स बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई देंगी। और इसी वजह से इन ड्राइंग्स में डेप्थ बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रही है, और इसी वजह से ये ड्राइंग्स उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बन पाई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो इन ड्राइंग्स में अगर आप चिन और नेक के पार्ट को देखो तो आपको ये इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि नेक का पार्ट चिन के पार्ट से कितना ज़्यादा पीछे है। और अगर आपको इस चीज़ को दिखाना है कि कौन सा पार्ट कितना ज़्यादा पीछे है तो आपको डेप्थ को दिखाना पड़ेगा, और वही बात है कि आपको डेप्थ को दिखाने के लिए शेडोज़ को दिखाना पड़ेगा। और इन ड्राइंग्स में अगर नेक के पार्ट को मिड टोन्स और डार्क टोन्स की हेल्प से थोड़ा और डार्क किया जाता तो नेक का पार्ट चिन के पार्ट से काफ़ी ज़्यादा पीछे नज़र आना था,
और वही ज़रूरी है रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए। तो इसी चीज़ को अगर मैं आपको अपनी ड्राइंग की हेल्प से समझाऊं, तो इस ड्राइंग में मैंने लाइट टोन्स को भी बनाया है, मिड टोन्स को भी बनाया है और डार्क टोन्स को भी बनाया है। बिगिनर्स काफ़ी ज़्यादा गलती यही करते हैं कि वो डार्क टोन्स को बनाते हैं, लाइट टोन्स को बनाते हैं, बट मिड टोन्स को वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, और इसी की कमी की वजह से उनकी ड्राइंग्स उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बन पाती। और मिड टोन्स का मतलब होता है कि डार्क टोन्स धीरे धीरे लाइट होते होते लाइट टोन्स में जाके मिल रही हैं, और लाइट टोन्स धीरे धीरे डार्क होते होते डार्क टोन्स में मिल रही, और उनके बीच की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम मिड टोन्स बोलते हैं। मतलब वो ना तो ज़्यादा डार्क होंगी और ना ही उतनी ज़्यादा लाइट होंगी, वो लाइट और डार्क के बीच का पार्ट होंगी। तो इन चीज़ों को आपको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस फ़ोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, आपको देखना होगा कि कहाँ पे मिड टोन्स हैं। आप पूरे फेस को ही इक्वली डार्क या इक्वली लाइट नहीं बना सकते, बिकॉज हमारे फेस के कुछ पार्ट्स पीछे की तरफ होते हैं और कुछ पार्ट्स आगे की तरफ होते हैं, और उनमें डेप्थ दिखाने के लिए आपको शेडोज़ और लाइट्स को दिखाना ही पड़ेगा, तभी देखने वाला समझ पाएगा कि कौन सा पार्ट पीछे की तरफ है और कौन सा पार्ट आगे की तरफ है। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए आपको टोनल वैल्यूज़ को समझना ही पड़ेगा। जैसे कि आप मेरी इस ड्राइंग में देख सकते हो, चीक्स और फोरहेड पे भी इक्वली लाइट या इक्वली डार्क शेडिंग नहीं है। यहाँ पे भी इस तरफ से डार्क है और इस तरफ से लाइट है, और चीक्स पे भी इस तरफ से डार्क है और इस तरफ से लाइट है। मतलब मैंने यहाँ पे भी लाइट और मिड टोन्स को यूज़ किया है। और जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो आप अपनी ड्राइंग में डेप्थ को सही से दिखा पाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे लास्ट टिप के बारे में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।